आदिकाल के प्रमुख कवि विद्यापति का जन्म सन 1360 में हुआ। यद्यपि ये जन्म का वर्ष उनका बहुत अधिक निर्धारित नहीं है, पर अनुमानित है उनके ग्रंथों के आधार पर कि उनका जन्म संभवतः लगभग 1360 में हुआ। उनके पिता का नाम श्री गणपति ठाकुर था और वे भी एक अच्छे कवि थे। विद्यापति का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के विस्फी गांव में हुआ था, जिसको पहले गढ़ विस्फी भी कहा जाता था। इनके आश्रयदाता राजा थे, पहले तो ये राजा कीर्ति सिंह के आश्रित रहे और उसके बाद अपने प्रमुख ग्रंथ पदावली के रचना काल में ये राजा शिव सिंह जो मिथिला नरेश थे उनके आश्रित रहे। राजा शिव सिंह की पत्नी रानी लखमा देवी भी विद्यापति की विशेष प्रशंसक थीं और बड़ी गुण ग्राही रानी थी। इन्होंने अपने समय के अनुरूप संस्कृत में भी ग्रंथ लिखे और अपभ्रंश में भी लिखे। विद्यापति के समय में संस्कृत और अपभ्रंश में ही लेखन का अधिक प्रचलन था, उन्हीं को अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती थी। किंतु विद्यापति ने इनके अतिरिक्त लोक भाषा यानी लौकिक भाषा में भी रचना की और उनकी लौकिक भाषा जो विद्यापति के स्थानीयता की दृष्टि से मैथिली थी, उसमें रचे गए पदों का संग्रह ही उनके प्रसिद्ध ग्रंथ पदावली में प्राप्त होता है। विद्यापति संस्कृत, अपभ्रंश और हिंदी तीनों के ही प्रखर विद्वान थे। उनकी संस्कृत भाषा में रचित लगभग 11 ग्रंथ हैं, जिनमें से प्रमुख हैं शैव, सर्वस्व सार, भू परिक्रमा, तीसरा पुरुष प्रतिष्ठा, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, वर्ष कृत्य, दुर्गा भक्ति तरंगिणी आदि। अपभ्रंश में रचे गए इनके ग्रंथ हैं मुख्य रूप से कीर्तिलता और कीर्ति पताका। अपने तत्कालीन आश्रयदाता राजा कीर्ति सिंह की स्तुति में उनके व्यक्तित्व, कृतित्व और वीरत्व को लेकर की इन ग्रंथों की रचना की गई है। स्वयं विद्यापति ने इस अपभ्रंश को, यह अपभ्रंश जो कि लोक भाषा मैथिली से भी प्रभावित है लेकिन साहित्यिक अपभ्रंश है, इसे अवहट्ट नाम दिया है। इस अवहट्ट भाषा को कुछ विद्वानों ने हिंदी और अपभ्रंश भाषा के की मध्यवर्तिनी संधि भाषा भी माना है। और तीसरा तो इनकी लोकप्रियता का आधार स्तंभ पदावली है ही, पदावली जिसमें इन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम से संबंधित सरस मनोरम पदों का अद्भुत सौंदर्य के साथ, अद्भुत कलात्मकता के साथ और गेयता के साथ सर्जन किया है। विद्यापति की कीर्ति के प्रमुख आधार ये तीन ग्रंथ ही हैं, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। पदावली अद्यावधि तक यानी आज तक व्यापक रूप से हिंदी जगत, विशेष रूप से बिहार में लोकप्रिय है। आज भी पदावली के पद लोकगीत की तरह से लोक जनों में और साहित्यिक जगत के विद्वत जनों में समान रूप से आदरणीय है। इसीलिए विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा गया है। इन्हें समय समय पर इनके कृतित्व के कारण अभिनव जयदेव, कवि शेखर, सरस कवि, खेलन कवि, कवि कंठहार और कवि रंजन
जैसी उपाधियों से भी सम्मानित किया गया। इनकी प्रमुख शैली पद रचना ही है। ये पद इन्होंने इतने मनोरम और प्रभावशाली गेय शैली में रचे कि हिंदी साहित्य में आदिकाल के परवर्ती युग में पद शैली के प्रवर्तक विद्यापति को ही माना जाता है। विद्यापति ने राधा और कृष्ण दोनों की वयसंधि की प्रेम और सौंदर्य का चित्रण इतने मर्मस्पर्शी, मनोरम और व्यापक रूप से किया है कि अपने परवर्ती युग, भक्तिकाल और रीतिकाल दोनों ही कालों के प्रेरणा स्रोत भी विद्यापति माने जाते हैं। दोनों ही युगों में कृष्ण काव्य की जो सरस सलिल काव्य रचना प्राप्त होती हैं, जो सरस काव्य सलिलाएं प्राप्त होती हैं, उनका उनकी प्रेरणा में हम विद्यापति को मान सकते हैं। और इसी कारण विद्यापति आज भी पठनीय है और बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में इनको रखा गया है। तो मैं डॉक्टर शशि प्रभा बीए प्रथम वर्ष की छात्राओं के लिए इस छोटे से व्याख्यान का समापन करती हूँ।